अबीरा, अब तुमने मेरा फोन काटा ना, मैं तुम्हारे घर आ जाऊंगा और फिर तुम खुद जिम्मेदार हो। अबीरा, मेरी बात, मेरी बात बोलो। झूठ बोलो, बताओ मुझे बेवकूफ। For God's sake, अबीरा, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, झूठ तो अखबार में छपा है। तो मेरी जिंदगी में आने वाली पहली और आखिरी लड़की हो, मैं इस लड़की को जानता तक नहीं हूँ यार। वो अपनी गलती मान लेगा, हजारों दलीलें देंगे कि ये सब झूठ है। तुम कुछ बोल क्यों नहीं रही हो? तुम्हारे खूबसूरत झूठ सुन रही हूँ हमेशा की तरह। अबीरा, बिलीव मी, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ यार। इतनी बड़ी खबर अखबार में यूं नहीं छपती है हसन। राय होती है तो पहाड़ बनता है। मुझे पता है, there is something wrong. There is nothing wrong. तुम्हें अखबार की इस झूठी खबर पे यकीन है, मुझ पर नहीं है। अब नहीं रहा। कैसी मोहब्बत है तुम्हारी, तुम्हें मुझ पर इतबार नहीं है? तुम मेरे दिल से उतर गए हो हसन, इतनी सी बात पर। इतनी सी बात लगती है तुम्हें हसन? मोहब्बत एतबार के बगैर पैदा नहीं होती है। बहुत नाजुक मामला होता है मोहब्बत का, बहुत एहतियात करनी पड़ती है। You took me for granted. मैंने कोई for granted नहीं लिया तुम्हें अबीरा, तुम्हें मुझ पर यकीन नहीं है ना, ठीक है? मैं अपनी बेगुनाही ना तुम्हें साबित करके रहूंगा और फिर उसके बाद तुम फैसला करना, और जो फैसला तुम करोगी ना मुझे कबूल होगा। ऐसी सूरत-ए-हाल पेश ही नहीं आएगी कभी। तो बस फिर ये तय हो गया, आज से माँ हमारी बच्ची। बिल्कुल आपकी बच्ची है, मुझे कोई एतराज नहीं है, बस जरा। लेकिन मुझे एतराज है। अरे तुम्हें क्या एतराज है भाई? अंकल, आप लोगों ने हारिस से बात की है? जाहिर है, उसी ने भेजा है हमें यहाँ। मुझे तो यकीन नहीं है। अच्छा, तो फिर आपको कैसे यकीन दिलाएं भाई? अगर वो कहेगा तब यकीन आएगा। क्या कहे? यही कि वो मुझसे शादी करना चाहता है। देखिए अंकल, बात ये है कि मुझे ना हारिस पे भरोसा ही नहीं है। अगर शादी के बाद उसने मुझे इस बात के ताने दिए कि उसने जबरदस्ती और मेरी जिद की वजह से शादी की है, मैं तो कहीं की नहीं रहूंगी, फिर क्या होगा? अरे भाई, वो ऐसा कुछ नहीं करेगा, मैं मना कर दूंगा उसे। अंकल, अच्छा अच्छा, फर्ज करो वो कह दे, फिर तो मान जाओगी ना? पक्का मान जाऊंगी। महा, क्या पटर पटर बोल चली जा रही हो, जरा सी शर्म है या नहीं? खामोश हो जाओ। अरे क्या हो गया है, आप खामखा क्यों डांट रही हैं बच्ची को? आप लोग बुरा नहीं मानिएगा, ये जरा जज्बात में कुछ ज्यादा ही बोल जाती है। इसलिए तो महा पसंद है हमें। आप जफर भाई से कब बात करेंगे? इंशाल्लाह आज रात ही को करती हूँ। बस उन्हें कहिएगा कि हाँ कह दें हारिस के रिश्ते के लिए, देखा भाला है आप लोगों का। हाँ हाँ, क्यों नहीं, बिल्कुल। और फिर अगर आप लोगों को एतराज ना हो तो हम शादी की तैयारियां शुरू कर दें, बस जफर भाई के आते ही तारीख तय कर लेंगे और 10-12 दिन में रुखसती भी कर लेंगे, क्यों अर्शद? हाँ भाई बिल्कुल ठीक है भाई, हम तो वही करेंगे जो हमारी बच्ची कहेगी। शर्मा गई। अबीरा, सारा दिन से आप अपने कमरे में बंद हैं, क्या हरकत है ये? अबीरा, क्या कर रही हैं आप? शर्म नहीं आती आपको? उस बेवफा लड़के के लिए आप अपनी जान दे रही हैं? आने दे आपके बाबा को, बताते हैं हम आपके सारे कारनामे उन्हें, फिर आपको इन गोलियों की जरूरत नहीं पड़ेगी।
वो खुद आपको जान से मार देंगे। मैं वैसे भी जीना नहीं चाहती मामा। उस घटिया लड़की के लिए जो आप कर रही हैं आपको ठीक लगता है? अपने माँ बाप को जलील करा रही हैं उसकी वजह से? मैं क्या करूं, मुझसे ये सब बर्दाश्त नहीं हो रहा है। संभाले अपने आप को बेटा, आप अबीरा सैफुर्रहमान हैं, अपने बाबा की तरह मजबूत बनिए। एक फजूल लड़के के लिए आप अपनी जान दे रही हैं? हमारा जरा सा भी ख्याल नहीं आया आपको? जरा सा भी नहीं सोचा आपने अपने बाबा के बारे में, साथ के बारे में? इतनी खुद गर्ज हो गई उस हसन के लिए? नाम ना ले उसका मेरे सामने, उसकी वजह से ना मुझे नींद आ रही है, मुझे भूख लग रही, कुछ समझ में नहीं आ रहा है मम्मा, कुछ समझ में नहीं आ रहा, कोई बात समझ में नहीं आ रही है मुझे। कोई बात नहीं बेटा, थोड़ा सा वक्त दो, सब ठीक हो जाएगा। अपने आप को अहमियत दीजिए, अपनी जात को समझिए। आपके बाबा की इज्जत उस लड़के से ज्यादा अहम है, भूल जाइए उस लड़के को हमेशा के लिए।